सन 47 में मैं पार्टीशन के बाद फिर लाहौर आया. लाहौर में आकर फिर अब इसकी तमन्ना तो बहुत थी कि सीखना है. तो उस वक्त हमारे मियां कादर बख्श जो हमारे पंजाब के बहुत बड़े उस्ताद, अब इनका नाम सुना हुआ था, मैंने देखा नहीं था. तो उस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान में मुलाजम था, बल्कि ये खुशनसीबी मेरी, मैंने रात को प्रोग्राम किया एक, तो सुबह वो आए. अब उनका आना सुभानअल्लाह, सारे स्टेशन एहतराम के लिए खड़े हो गए, हमारे जितने भी फनकार थे. मैंने कहा भाई कोई अजीब ही पर्सनैलिटी है, कोई बहुत ही कमाल लोग आए हैं, ऐसे बहुत जाह जलाल, बहुत खूबसूरत लोग थे. तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन आए? कहे भाई मियां कादर बख्श आए. तो मैंने सलाम किया, भाई मेरा नाम पूछा. मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा प्रोग्राम सुना है रात. अरे तुम्हारे हत्थे तो अच्छे हैं भाई. मैं कहा जो मेहरबानी है आप. भाई मैंने वो बाहर से आया हूँ, मैं सिंध में रहा हूँ, तो मैंने प्रोग्राम करना है, अदान बजना है, तुम आना. मैंने कहा जरूर, और क्या मेरी खुशनसीबी. तो उस वक्त उन्होंने ये मोची दरवाजे तक ही आए, वहाँ उन्होंने बजाना था. मैं सुनने गया, उनको पहली मर्तबा सुनना था, बड़ा शौक. नाम तो बहुत सुना हुआ था. अब दो चार दस मिनट बजाते रहे. मैंने बहुत अच्छे बुजुर्गों को भी सुना था हिंदुस्तान, अहमद जान त्रिकवा को, अजीम खान साहब जाबरे वाले को, और करामत खां फला, ऐसे लोगों को मैं, हबीबुद्दीन खां को सुना. तो हम मेरे कानों में उनका भी बड़ा असर था. हम दस मिनट तक सुनता रहा. एक चीज़ बजाई उन्होंने, ऐसे लगा जैसे मेरे को हंटर मार दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा भाई मियां कादर बख्श ऐसे नहीं है. क्या बजाया था? वो को गत थी, तो वो गत मेरी समझ से बाहर थी. वो क्रां करके कीता ना, वैसे ये पेंदी तक उनकी शांदड़ी आवाज आई. मैं बयान नहीं कर सकता ऐसे करके, ये अजीब था. तो ऐसे वाकई मेरे रंगठे खड़े होकर, मैंने खैर दो ढाई तीन घंटे बजाए. बजाने के बाद मैंने बाद में उठ के अर्ज की कि मियाँ साहब मुझे शागिर्द कर लें. अब मियाँ साहब क्या जवाब देते हैं? भाई मैं तो थक चुका हूँ, अब मैं किसी को बताता नहीं. अब मेरे पास तो अब इतना टाइम नहीं है, मैं थक चुका हूँ बहुत. शागिर्द तो वाकई शागिर्द भी उनके बेबहा, सवा लाख शागिर्द के उस्ताद कहलवाते हैं इतने शागिर्द. खैर जी, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा. अच्छा जैसे आप. फिर मैंने कुछ बुजुर्ग उनके जो हम असर थे, उनको अच्छी तरह भाई नसीरा थे, वो मेरे वैसे भी वालिद के भाई थे बने हुए. मैंने उनको कहा, मैंने कहा चाचा मियाँ साहब को कहें आप भी बड़े शागिर्द हैं उनके. भाई नसीरा उनके भी शागिर्द थे, जो रुस्तम सितारा सितारा हिंद का किताब मिला हुआ था तबले बखावच में. भाई लाल मोहम्मद, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्ताद गुलाम हसन शगन के वालिद, उनको मैंने कहा कि चाचा जी आप भी कहें मियाँ साहब शागिर्द नहीं मुझे कर रहे. बहरहाल उन्होंने सिफारिश की तो मानना पड़ा.